अब देखिए आपका आगे वाला सवाल है, सवाल नंबर 4। तीन कर्मागत संख्याओं का योग 27 है, कितना है? तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले कर्मागत संख्या है, अपने पास कोई संख्या नहीं है, तो माना पहली कर्मागत संख्या x है। कितनी है कर्मागत? क्या होती है? कर्म से, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पांच आता है ना, तो पहली ये होगी ना, तो दूसरी एक जोड़ने पर आएगी, दूसरी कर्मागत संख्या कितनी हो गई? x प्लस एक हो गई। तीसरी कर्मागत संख्या कितनी हो गई? x प्लस दो हो गई। तीन ही जोड़ दिया अपने को, तीन कर्मागत संख्याओं का योग यानी जोड़, योग यानी एक संख्या x होगी, दूसरी x प्लस एक होगी, तीसरी x प्लस दो होगी, x प्लस है, तीनों को जोड़ो, यानी वो ये x, ये पहली संख्या है, दूसरी कितनी है? x प्लस एक, तो लिख दो x प्लस एक, ये दूसरी हो गई। तीसरी कितनी है? x प्लस दो, ये x प्लस दो हो गई। बराबर जोड़ कितना आता है? 27। कितना आता है? आता है ना। अब देखिए बेटा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों एक एक है ना, तो ये तो जुड़ गए, एक दो और एक तीन एक्स हो गए। अंक भी जुड़ गए, एक और दो, दो और एक कितने हो गए? तीन। बराबर कितने हो गए? 27। समीकरण ये बढ़ गई अपनी, बढ़ गई ना, देखो ये एक्स जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, तीनों एक्स जुड़ गए, तीन एक्स हो गए, ये अंक जुड़ गया, एक और दो कितने हो गए? तीन हो गए। बराबर कितना है? 27। बराबर 27 हो गया। अब लिखे पक्षांतरण है करने पर, या तीन एक्स बराबर ये हो गए 27, ये तीन प्लस के थे, आगे जाके किसके हो गए? माइनस के। किसके हो गए? माइनस के। या तीन एक्स बराबर 27 में से तीन गया कितने रह गए बेटा? 24। अब एक्स के पास तीन है ना, यानी गुणा में तीन है, आगे जाके भाग लगाएगा, आगे जाके एक्स बराबर 24 बटा तीन, एक तीयो तीयो आठ तीया 24, एस का मान आ गया आर, कितना आ गया? तो पहली संख्या कितनी होगी बेटा? आठ। दूसरी आठ में एक जोड़ो, कितने हो गए? नौ। तीसरी आठ में दो जोड़ो, कितने हो गए? दस। आठ नौ सत्रह दस कितने होते हैं? 27 होते हैं, नहीं होते? आ गया ना अपना उत्तर है। अब आगे वाली संख्या देखो आपकी, आगे वाला सवाल दिया है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर तीन कर्मागत विषम संख्या, तीन कर्मागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है, 39। कितना है? 39। तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं बताओ, संख्याएं। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, माना पहली संख्या, पहली विषम प्रागमत संख्या, सॉरी विषम, या विषम लिखोगे, पहली विषम संख्या है, कितनी है? एक्स। दूसरी यहां क्या लिखेंगे? दूसरी विषम कर्मागत संख्या, कर्मागत है संख्या, यहां लिखोगे एक्स प्लस दो, लिखोगे विषम आ जाए, सम आ जाए, तो दूसरी क्या होगी? एक्स प्लस दो, क्या होगी? तीसरी कितनी होगी? एक्स प्लस चार, एक्स प्लस है, ठीक है ना, सम में भी यही आएगा और विषम में भी यही आएगा, ठीक है ना। अब तीनों को जोड़ दें, तीनों को, पहली संख्या कितनी है? एक्स हो गई, दूसरी कितनी है? एक्स प्लस दो हो गई, तीसरी कितनी है? एक्स प्लस चार हो गई। बराबर कितने कर दूं भाई?
कितने कर दूं, कर दिया, कर दिया ना, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये दूसरी थी, तीसरी थी, तो कितने हो गए तीन एक्स, और ये चार और दो कितने हो गए छह, बराबर कितने कर दूं, समीकरण बन गई अपनी, ये बढ़ गई ना, या यार लिखो, हो गया पक्षांतरण है, तीन एक्स बराबर उनचालीस, ये यहां प्लस का आ गया कि किसका हो गया माइनस का, तीन एक्स बराबर कितने बच गए तैतीस, बच गए ना, या एक्स बराबर तैतीस, और ये तीन आधे बारह आ देगा, एक थी ग्यारह दिया, एक्स का मान कितना आ गया, तो ये संख्या तो कितनी हो गई ग्यारह, ग्यारह में दो जोड़ेंगे कितने हो गए तेरह, तेरह में चार जोड़ेंगे कितने हो गए सत्रह, हो गए नहीं हो गए है, तेरह में ग्यारह में चार जोड़ेंगे पंद्रह हो गए, कितने हो गए ठीक है, हो गए ना, ग्यारह में चार जोड़ेंगे, ग्यारह है माने इसका, ग्यारह में चार जोड़ा कितने हो गए पंद्रह, ग्यारह में दो जोड़े कितने हो गए तेरह, तेरह और ग्यारह चौबीस, चौबीस और पंद्रह उनचालीस, हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। अब देखिए आगे वाला सवाल सेम ऐसे ऐसा है, लेकिन उसमें सम दिया है, क्या दिया है सम, क्या दिया है, यहां देखो यहां अड़तालीस तीन कर्मागत विषम, विषम है ना, यहां दिया है सम, क्या दिया है सम, ठीक है सेम यही संख्या माननी है, ठीक है सम में भी यही संख्या माननी पड़ेगी आपको, कौन सी देखो तीन कर्मागत सम संख्याओं का योग अड़तालीस है, योग है अड़तालीस, आगे वाला सवाल है आपका कौन सा छह नंबर, कौन सा है छह नंबर, क्या सवाल है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग अड़तालीस है, संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ, वही मानेंगे, माना पहली यहां लिख देंगे सम, क्या लिख देंगे सम क्रमागत संख्या कितनी है x, दूसरी सम क्रमागत संख्या कितनी है x प्लस दो, तीसरी सम क्रमागत संख्या कितनी है x प्लस है, वही लिख देंगे, हो गया। अब इनको जोड़ लो, पहली संख्या कितनी है x, दूसरी कितनी है x प्लस दो, ये देखो आगे ना, तीसरी कितनी है x प्लस चार आगे ना, बराबर कितने कर दूं अड़तालीस, कितने कर दूं एक दो और तीन एक्स हो गए, तीन एक्स प्लस कितने हो गए चार दो छह, बराबर कितने लिख दूं अड़तालीस, पक्षांतरण है करने पर, या लिख दो तीन एक्स बराबर ये अड़तालीस, ये प्लस कर दे आगे जाके किसके हो गए तीन एक्स बराबर कितने बच गए बेटा बयालीस, या एक्स बराबर बयालीस बटा तीन चौदह दिया बयालीस चौदह दिया, एक्स का मान कितना आ गया। अब देखिए ये पहली संख्या कितनी आ गई चौदह, चौदह में दो जोड़े कितने हो गए सोलह, और चौदह में चार जोड़े कितने हो गए अठारह, कितने हो गए जोड़ दो सोलह और चौदह तीस, तीस में अठारह जोड़ेंगे अड़तालीस, होते कि नहीं होते आगे ना संख्या, कर सकते हो इसको